आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम से। तो अब बीजेपी के तीनों दिग्गजों की इस संग्राम में धमाकेदार एंट्री होने वाली है। जनवरी में बंगाल दौरे पर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा के आने की संभावना जताई जा रही है। तो नड्डा 9 जनवरी को वीरभूम में सभा को संबोधित करेंगे, 12 जनवरी को योगी आदित्यनाथ झारग्राम में और 30 जनवरी को शाह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में सभा को संबोधित करेंगे। तो हालांकि बता दें, ये तमाम तारीखों पर फाइनल मुहर नहीं लगी है, बाद में इनमें बदलाव भी हो सकती है, पर शुरुआती जानकारी को माने तो इन तीन दिग्गजों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 जनवरी को अमित शाह का दौरा है, अमित शाह उत्तर माधुआ संघ की सभा को संबोधित करेंगे, योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बंगाल दिलीप गिरी बने हुए हैं। दिलीप, कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? देखिए लगातार जिस तरह से विधानसभा चुनाव, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही राहुल मैं आपको बता दूं कि पूरे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी तेज होते जा रही है। खासकर के भाजपा कोई ऐसा कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां पे उसे किसी तरह से कोई संशय हो। जिन नेताओं की बड़ी फेहरिस्त जारी होने वाली है, एक दो दिनों में ही इसे ऑफिशियली मुहर लग जाएगा, लेकिन हम तक जो सूत्रों के अनुसार या वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जो जानकारी मिली है, हालांकि अब तक ऑफिशियली यह पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए अब कुछ खबरों के अनुसार ही हम इसे कहेंगे कि आगामी 9 जनवरी को 2 दिवसीय यात्रा पे जेपी नड्डा आ रहे हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी रोड शो वीरभूम में होगी, जहाँ पे कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने भी एक मेगा रोड शो किया था, उसके बाद ममता बनर्जी ने भी रोड शो की थी। इसके बाद फिर से जेपी नड्डा का उसी वीरभूम जिले में रोड शो है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक एरिया में किस तरह से भाजपा भी रणनीति तय कर रही है। दूसरा जो खबर है, मोदी के पहुंचने की भी कोई सूचना है अभी? मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के अब तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह से फिर से 12 जनवरी को झारग्राम में, जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की भी जनसभा होगी। और ये इलाका शुभेंदु अधिकारी, जो टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए, उनके प्रभुत्व वाला इलाका है। और इन सब इसके बाद जो बांकुड़ा पूर्णिया है, वहां पर ये दोनों संसदीय क्षेत्र भाजपा का है। तो आप समझिए कि भाजपा की कोशिश है कि आदिवासी समाज भी और आदिवासी वोट है उसे भी अपने पक्ष में करने की कवायद जो है उसकी शुरुआत अभी से बीजेपी ने कर दिया है। वही एक बड़ा इशू, अमित शाह जिस उत्तर 24 परगना के इलाके में मथुरा सभा को संबोधित करेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। लगभग 24 से 25 सीटें यहाँ ऐसी है जिसमें मथुरा संप्रदाय के लोग, जो कि बांग्लादेश से हिंदू समाज के लोग भारत आए थे और इन इलाकों में बसे हैं, यहाँ पे एनआरसी और सीए बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, जिसे लेकर के ममता बनर्जी की सरकार लगातार केंद्र सरकार पे हमला बोलते आई है कि लोगों को केंद्र सरकार भ्रमित कर रही है। इसके बाद से जो वहां से भाजपा के सांसद शांतनु ठाकुर है, साफ तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि मथुरा से बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्योंकि मथुरा संप्रदाय से संबंध रखने वाले शांतनु ठाकुर भाजपा से सांसद चुन करके आए थे। इस बड़े मुद्दे पे है कि भाजपा की सरकार जब केंद्र में आएगी तो मथुरा संप्रदाय को अस्थाई नागरिकता दी जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि बीजेपी आप बने रहिए हमारे साथ, एक और खबर है इस पे हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो इधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इशारों में टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल वैक्सीन देते हैं जिसका रिजल्ट जल्द आने वाला है। আর আমি পলিটিক্যাল ভ্যাকসিন দিই, সে যেন আমরা আশা করব ভ্যাকসিন, যারা কিছু লোক ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন তার যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অ্যানালাইসিস হচ্ছে, আর তারপরে ব্যাপক হারে ভ্যাকসিন হবে, কত পার্সেন্ট রিকভারি, কত পার্সেন্ট প্রোটেকশন সেটা তো ডাক্তারবাবুরা বলতে পারবেন, নিশ্চয়ই তাদের কাছে রিপোর্ট আছে। তো আমরা আশা করব খুব তাড়াতাড়ি হোক ভ্যাকসিনের দেওয়াটা, যাতে লোকের মনের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। সবাই ভয়ে একটু হতাশার মধ্যে আছেন, তো এটা হলে এই ভয়ে অনেকে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না এখনও। তো ভ্যাকসিন যদি চালু হয়ে যায় তাহলে মনে হয় সাধারণ জীবনে আমরা ফিরতে পারবো।